मैदे के बैटर में पा के तल के साढ़े बंदे को सर्व कर देता है, साढ़े बंदे को मुकते नहीं है। मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम सारी फैमिली तैयार हो गए हैं, समय हुआ है ऑलमोस्ट 12:15। आज हम जा रहे हैं कैलगरी स्टैम्पीड परेड में। पता नहीं आज ही वो शुरू हुआ है या एक दो दिन हो गए हैं, पर आज बहुत अच्छा सनी दिन है और हमने सोचा कि आज पूरा मज़ा उठाते हैं। हमारे कुछ दोस्त आ रहे हैं टोरंटो से, आई थिंक नेक्स्ट वीक, तो उन्हें लेके जाने का प्रोग्राम था हमारा, पर आज हम अकेले जा रहे हैं क्योंकि वो जो परेड है मुझे लगता है कि 10 दिन तक रहेगी। सो या मैं रेडी हूँ, हिम्मत रेडी है, हस्बैंड रेडी हो रहे हैं। हस्बैंड रेडी होने के लिए लेट इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने आज हमारे लिए चाय बनाई है एंड मैंने चाय पी ली है अब, और अब हम तैयार हैं जाने के लिए। और मैंने सोचा कि आपको भी हमारे साथ लेके चलते हैं, देखते हैं कि कैसा होता है। मुझे आई एम नॉट श्योर, ये कनाडा का सबसे बड़ा इवेंट है। आई एम नॉट श्योर अगर आपको याद है या नहीं, हम टोरंटो में जाया करते थे कनेडियन एग्जीबिशन, CNN टोरंटो जो सिटी में होता है डाउनटाउन में, उसका मैंने कई बार व्लॉग भी बनाया है। तो आज मैंने सोचा कि इसका भी व्लॉग बनाते हैं, एक तो याद हो जाएगी हमारी और एक देखते हैं कि क्या क्या है वहाँ पे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया है, जाके देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। सो हिम्मत आज बहुत समय के बाद बैठा है ट्रेन में, उसे बहुत अच्छा लगा एंड हमें भी बहुत मज़ा आया क्योंकि हम बहुत ट्रेन में काफ़ी समय के बाद बैठे थे। तो स्टैम्पीड में पहुंच के जब हम एंटर किए, वहाँ पे रोडियो शो शुरू होने वाला था, तो हस्बैंड ने सोचा कि टिकट लेते हैं और रोडियो शो देखते हैं। हमने कभी भी कोई रोडियो शो नहीं देखा है। अब देखें कि यहाँ पे दुनिया ना सारी इतने सुंदर कपड़े पहन के आई है ना, बहुत ही प्यारी काउबॉय हैट्स एंड बूट्स। हस्बैंड ले रहे हैं टिकट, हिम्मत खा रहा है पिज्ज़ा और मैंने भी अद्धा स्लाइस खा ली है, अद्धी पति के लिए सेव कर ली है, तो पति को टिकट लेने के लिए बहुत समय लग गया। सो जब हस्बैंड टिकट लेके आए हैं तो वो अपनी बची हुई स्लाइस खा रहे हैं और हम थोड़ा शो शुरू होने की वेट कर रहे हैं। आप देखें कि स्टेडियम कैसे खचा खच भरा हुआ है। ये है कैलगरी स्टैम्पीड स्टेडियम, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के इवेंट्स होते हैं, कई तरह के शो होते हैं। हमने सोचा कि कुछ शो देखते हैं हम, बहुत ही मज़ेदार लगा मुझे। मेरा सबसे फेवरेट वो था जब एक गुस्सेल सी घोड़े पे राइडर बैठता है कुछ देर। ये देखिए कि ये कंपटीशन हुआ था वहाँ पे, जहाँ पे एक काउबॉय को एक ये बछड़े को जल्दी जल्दी टाई करना है, जितने कम समय लेगा वो उतना बंदा जीतेगा जिसका सबसे कम सेकंड्स में होगा। एंड हमारी ये सीट बहुत ही परफेक्ट थी, हमें बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ से। एंड हिम्मत बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ये बोरिंग सा शो, क्योंकि बाहर इतनी राइड्स हैं, इतना मज़ेदार है, फूड है, तो कहना मैंने बाहर जाना, पर बड़ी मुश्किल से बचा के रखा उससे तब तक जब तक ये बेस्ट शो नहीं आया जिसमें वो घोड़े पे समय बिताना होता है। एंड देखो घोड़े कितने नखरे कर रही है उसको फेंकने के लिए, और बेचारे ने टाइम कर ही लिया पूरा। फिर अलार्म बजता है, उसके बाद उस बंदे को सेव कर लेते हैं दूजे लोग। एंड घोड़ी जी ना जो ज़्यादा खिंची हुई है इसको लेके जाता है साइड में, एक गुस्से वाले पति के जैसी है, एंग्री रहती है बिल्कुल। सो उसके बाद हमने सोचा कि चलो यार, हिम्मत को बहुत रख लिया, अब उसको राइड्स लाते हैं। हम राइड्स लेनी शुरू की थी। मुझे ना राइड्स लेने में बहुत डर लगता है क्योंकि एक बार हमने मेलबर्न में एक फेस्टिवल में राइड ली थी, बहुत ही ख़तरनाक, मैं और मेरे पति काफ़ी डर गए। तब से हम ना राइड नहीं ले पाते, उससे पहले मैं कुछ भी राइड्स ले पाती थी। सो ये सस्तू क्यूट सा आसान सा जो चूल्हा है इस पर हम बैठेंगे, उसके बाद हिम्मत राइड्स लेगा जिस पर वो अकेला जा सकता है। उसने बहुत मज़ा किया राइड्स पे एंड बहुत सही राइड्स पे उसके साथ हस्बैंड भी चले गए। हस्बैंड यहाँ पे अजमा रहे हैं अपने निशानेबाजी, बड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे सारे टॉयज जीत लेंगे। एक नहीं बजा इनका, एक बजा था वो भी बेचारी बॉटल हिली नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी तरह वो स्टक होती है ना वो होल्स में,
हिलती नहीं है। देखें कि इतना हॉट दिन था, कैलगरी का ये है कि थोड़ा अच्छा सूरज निकलता है ना तो आपकी बस करा देता है, पूरा हॉट हो जाता है। एंड जगह जगह पे ये स्प्लैश लगे हुए थे ताकि लोग अपने आप को कूल डाउन कर पाएं, जैसे डिज्नी में थे। सो हिम्मत ने बच्चों वाली राइड ली, थोड़ी क्यूट क्याट सी। और हमने इस बार राइड्स के लिए टिकट्स यूज़ की थी, पर मैंने नेक्स्ट टाइम जब हम हमारे दोस्तों के लिए दोस्तों के साथ आएंगे ना, तो मैंने सोचा है कि हम इसको बैंड ले देंगे सारे दिन वाला, ऑल डे, एंड इवन एक्सप्रेस पास भी लेके देंगे ताकि उसे राइड्स में उसमें खड़ा नहीं होना पड़े। So, थोड़ी पेट पूजा करने के बाद ये देसी पट्टी अभी कहाँ पे थोड़ा लक सीधा करेगा। मुझे गंडे चाहिए, गंडा फ्राई, गंडा। ओ बेचारा पट्टी कब से प्याज के पकौड़े खाना चाह रहा है। उसके बाद हम पहुंच गए, ये इंडोर स्टेडियम है, यहाँ पे भी अलग अलग तरह के घोड़े के कंपटीशन किस्म के हो रहे थे। ये गर्ल्स देखो घोड़े लेके कितने तरह के इन्होंने करतब करके दिखाए, ये पूरा सर्कल पूरा करती हैं। जब एक घोड़ा मूव होता है तो दूसरा भी सेम टाइम पे होता है, तो काफ़ी अच्छे ट्रेंड थे। उसके बाद ये घोड़ा गाड़ी वाले लोगों का कंपटीशन हुआ, इनमें से एक विनर निकाला। उन्होंने सारे घोड़े को अच्छी तरह परख के उसकी खूबसूरती को, उसके बालों को, उसकी टेल को, एवरीथिंग। एंड हिम्मत बहुत मुश्किल तक रुका इसके विनर तक, उसके बाद कह रहा कि मैं और नहीं कर सकता। फिर हिम्मत ने एंड हस्बैंड ने थोड़ी राइड्स का लुत्फ उठाया थोड़ा और। एंड देन हम लोगों को काफ़ी भूख लग गई थी और हमने सोचा कुछ खाते हैं। हस्बैंड पे प्याज की वेट कर रहे थे, कब प्याज का पकौड़ा खाऊंगा, और मैं नहीं। सो हस्बैंड को ये प्याज खाना बहुत अच्छा लगता है, मैंने इन्हें पसंद नहीं है, पर देयर ही इज इन अ लाइन अप, ऑलमोस्ट इज डन। हिम्मत एंड मी गोना टेक अनदर स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, क्योंकि इनका पिज्जा बहुत मजेदार है। मैंने ये अनियन पहली बार ट्राई किया, बेचारे ने तो उल्टियाँ लग गई, उसे सही नहीं लगा, वो कह रहा बहुत स्लाइमी सा है, ये क्या चीज़ है ये। होला बस सो हस्बैंड ने दो चार जनानियाँ लाभ ली हैं ताकि वो उनका प्याज मका दें, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और उनसे फिनिश नहीं होता। I don't know what I would do if I heard your voice across the room at some party in some house with music that's way too loud. I would probably act all cool and nice, try to be seen by your eyes, secretly hoping you notice me, wishing you know it's somebody. So if so, यहाँ पे ये आदमी बना रहा है अनियन पकोड़े। सो ये बड़े से अनियन में फुल जैसी शेप बनाते हैं, उसके बाद उसको फ्राई करके पति जैसे बंदों को बेच देते हैं।
पति जैसे बंदों से मुकते नहीं है ये। मैदे के बैटर में पा के तल के साडे बंदे को सर्व कर देता है, साडे बंदे को मुकते नहीं है। समय होता है घर जाने का। लेट्स गो होम गाइस, आई एम टू टायर्ड। 8-9 घंटे स्पेंड कर लिए हमने। Wiping tears from my tired eyes. So if you're not taken, can we take some time? So we can talk until the birds wake up, fill up each other's empty cups, share stories from our lives, from when we said goodbye. We could try to find what we left behind, take the good from the bad, leave the rest to the time if we feel the same. दोस्तों तो इसी तरह हमारा आज एंड हुआ कैलगरी स्टैम्पेड परेड से। हमने, मेरे लगता है, 9 hours स्पेंड किए यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ बताना। अगर कहना चाहते हैं तुम तड़फन रहे अरपति ने पूरा प्याज खाया एंड 5-7 जनानियों को भी अपने चंगुल में फंसा लिया प्याज के बदले में। देख ही लिया आपने, हाँ देख ही लिया होगा आपने। ऐसे मेरे पति ना स्कीम पाते हैं कि कैसे आंटियों को जंगल में फंसाया जाए। जंगल में आया थी मैं क्या? ओके, सो घर जाने के लिए हम लेने वाले हैं ट्रेन, और ये ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। सो पहुँचे तो बहुत सारे हमारे पैकेज आए हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अमेजोन से ली हैं एंड मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ अमेजोन मस्ट हैव्स आपके घर के लिए। पति ने लिया है कुछ एडिडास से एंड मैंने ज़ारा से कुछ लिया है, आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा क्विकली। सो मैंने लिए हैं ये शूज़, मुझे ना ऐसे थोड़े जायंट चंकी शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं। सो अमेज़ॉन से मैं बता रही थी कि मैंने कई सारी चीज़ें खरीदी हैं जो मैं आपके साथ एक स्पेशल वीडियो में शेयर करूंगी कि कौन से मस्ट हैव्स हैं, बहुत मज़ेदार लगेगी आपको। रजाई का कवर लिया है मैंने काले रंग का, तो ये मुझे, मैंने सुना कि अच्छा है, ये अच्छे रिव्यूज़ थे, तो ये मैंने एक काले रंग का रजाई का कवर लिया है। इसमें दो पिलोज भी हैं मुझे लगा। ओके, सो दो पिलो है इसमें। सो ज़ारा से मैंने ये प्यारे से क्यूट से शूज़ आए हैं एंड दो टॉप लिए हैं मैंने। एक तो है ये रेड, बहुत ही ब्यूटीफुल किस्म का है, इसकी बलून स्लीव्स है। पहन के आपको पता चलेगा हिम्मत एंड हस्बैंड ने अपना रौला पा दिया। एंड एक ये बहुत ही प्यारा क्यूट सा, पहन के बताऊंगी मैं आपको लेट। हिम्मत, यू वांट टू शो व्हाट यू गॉट? Trying to open this it. This is for you, mommy. Oh, daddy got something for me. Daddy, this is my Lego bag. Okay, daddy got daddy dad se himmat ke liye Lego.
आई थिंक उनकी कोई लेगो से कोलैबोरेशन है। गाइस हस्बैंड मेनू कहते रहते कि तू मोटियां 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 एंड मेरे लिए स्मॉल चीजें लेके बैठ गए, मतलब दिल से वो मानते हैं कि मैं पतली हूं। हस्बैंड ने एक मेरे लिए पजामा भी लिया है, वो भी स्मॉल है। स्मॉल मेरे आ जाता है पर मेरी टांगे थोड़ी लंबी है ना, तो वो प्रॉब्लम होती है, बाकी तो नहीं, देख नहीं आ रहा है। यस इट गॉट अ फिट। थैंक यू डैडी, इट्स वेरी वेरी नाइस। आई एम रियली ग्लैड दैट कि जदों तो ये शॉपिंग की थी मेरे बारे सोचा, तो बहुत प्यारे हैं। चलो चलो ऑर्डर मार दनी है मैंने पहला ही कि चूड़ ना मारो कोई भी पैकेज। गाइस पता है कि ये हस्बैंड ना रात को शॉपिंग कर रहे थे, मुझे लगा कनाडा डे वाले दिन, एंड मैं सुती हुई रात को जाकर कहते तेरे लिए ना पजामा लिया, तेरे लिए ना पजामा, और मैंने लिया दे लिया और मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हैं। अद्धी रात नु दसन ने कहते फिर मैं कल्ला क्या लेता, मैं सोचा कि बेचारी ये दिखती हुई कार्ड ब्यूटीफुल आ और ये क्या है। सो अब Amazon का बॉक्स खोल रही हूं मैं। ओके कुछ है पता नहीं की है। ओ मैंने ना लेजी सूजन ब्रांड से ऑर्गेनाइजिंग के लिए चीजें ली हैं मेरी किचन के लिए, जिससे मैं कल खोलूंगी क्योंकि थोड़ी सी असेंबली की जरूरत होगी और कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। सो ये भी एक लेजी सूजन का ही प्रोडक्ट है। ओ एंड ये कुछ फेदर लिए हैं मैंने, अरे बहुत छोटे हैं, मुझे लगा लंबे हो गए। ओके सो ये है, और एक मैंने ना मेजरमेंट के लिए कप लिया, ये स्पून लिया है जो आप डिफरेंट डिफरेंट एक ही स्पून को कर सकते हैं, लाइक वन टेबल स्पून हाफ टू ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि आपको बहुत सारे संभालने पड़ते हैं। तो ये पिद्दा बाद में बताएंगे इसके बारे में डिटेल में। और एक्चुअली एक मैंने हेयर स्प्रे भी लिए क्योंकि आजकल मैं बालों का बहुत ध्यान रखती हूँ, तो उसके लिए पिद्दी सी लिया मैंने ट्राई करने के लिए, अगर मुझे अच्छी लगेगी तो और लेंगे। सर में दर्द हो गया है, नक मुकम क्या है। और रंग से वैसे काफी हुआ।